अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आप लोगों के साथ मैं एक बड़ी ही इजी रेसिपी शेयर कर रही हूँ और ये है ब्रेड पुरिंग की। तो ब्रेड पुरिंग आप बड़े इजीली घर में बना सकते हैं और उन ब्रेड के पीसेस के साथ बना सकते हैं जो यूजुअली हम यूज़ नहीं करते, जो एक टॉप और बॉटम के होते हैं। तो इसमें हमें जो चीज़ें चाहिए वो आप नोट कर लीजिए। इसमें हमें चाहिए 4 eggs, 4 अंडे और सिनेमन पाउडर और ब्रेड स्लाइसेस। और अगर आपके पास बची हुई ब्रेड के पीसेस हैं जो ऊपर और नीचे के होते हैं तो वो भी आप ले लीजिए। जैसा ये मेरी पुरानी ब्रेड है और ये मैंने बाकी दूसरी ब्रेड ली है, तो मैंने कोई इसमें 8-9 पीसेस ले लिए हैं। इसके अलावा मेरे पास है वनीला एसेंस और उसके साथ अब मैं अंडे इसमें तोड़ रही हूँ और उनको मैं मिक्स करूँगी शुगर के साथ। जी, तो मैंने यहाँ 4 अंडों को तोड़ लिया है और अब इसमें मैं 1/2 कप शुगर ऐड करूँगी। शुगर आपके अपने टेस्ट के हिसाब से है, अगर आप थोड़ी ज़्यादा खाते हैं शुगर, ज़्यादा मीठा पसंद है तो इसको थोड़ा और बढ़ा लीजिए, लेकिन इस रेसिपी में 1/2 कप ही यूज़ होती है। तो 1/2 कप डाल के इसको अब आप अच्छी तरह बीट कर लीजिए। जी, यहाँ पे मैं 2 teaspoon वनीला एसेंस के ऐड करी हूँ और वनीला एसेंस से बहुत ही अच्छी एक खुशबू और फ्लेवर आ जाता है इसमें। और उसके साथ ही मैं 1/2 teaspoon सिनेमन पाउडर के भी इसमें ऐड कर दूंगी। सिनेमन पाउडर का इसके साथ बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया तो ज़रूर ट्राई करके देखें और फिर मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपको सिनेमन पाउडर के साथ इसका फ्लेवर कैसा लगा है। उसके बाद इसको आप दोबारा अच्छी तरह मिक्स कर लें और अच्छी तरह जब ये सारे एग्स मिक्स हो जाएं और बीट हो जाएं तो आपने इसमें 2 कप दूध के डालने हैं और 2 tablespoon इसमें मैंने यहाँ बटर डालना था, वो मैं भूल गई थी तो ये मैंने ऐड किया। 2 tablespoon बटर के, मेल्टेड बटर डाल के आपने इसके बाद इसमें दूध ऐड कर देना है। तो दूध आपका जो है वो रूम टेम्परेचर पे हो, फ्रिज से निकाल के डायरेक्टली मत यूज़ कीजिएगा। तो यहाँ पे ये 2 कप इसमें ऐसा ऐसा मैं मिक्स करती जा रही हूँ और ये हमारा सारा बैटर तैयार हो गया है। और इसके बाद आपने जो ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं इनको आप इस तरह ये क्यूब शेप में या छोटे छोटे पीसेस में कट कर लें और उसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे ये सारा बैटर और इसको ब्रेड को सोक करेंगे। तो बेकिंग डिश आप ले लीजिए, उसको लाइटली ग्रीस कर लीजिए और उसके अंदर फिर हम ये ब्रेड पीसेस डालेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये जो हमने ब्रेड के छोटे छोटे पीसेस किए ना, इनको मैं इवनली स्प्रेड कर दूंगी इस डिश के अंदर। और जब ये सारे इवनली स्प्रेड हो जाएंगे तो जो बैटर हमने तैयार किया ना वो इसके ऊपर आपने आहिस्ता आहिस्ता डालते जाना है और आपने उसको इतना डालना है कि आपको लगे कि जो ब्रेड है ना वो उसके अंदर सोक हो गई यानी भीग गई है। तो उसको मैं एक स्पून की हेल्प से उसको हल्का सा दबा के देखूंगी कि उसके अंदर सारा मॉइस्चर चला गया है कि नहीं जो हम ये बैटर बना रहे हैं। अब आपने इसको ओवन में 350 फ़ारेनहाइट पर रख देना है। वैसे मैंने 355 पर रखा था और इसको 35 से 40 मिनट तक पकाना है। तो आपको जब ये लगे कि ऊपर से ये ब्राउन में हो गया है इसका कलर गोल्डन ब्राउन, तो इसको आपने निकाल लेना है। और इसको चेक करने का तरीका ये है कि इसको आपने दबा के
देखने अगर तो ये स्पंज की तरह वापस अपनी शक्ल में आ जाता है तो इसका मतलब है कि आपकी ब्रेड पुडिंग पक गई है। ये जिस तरह मैं इसको दबा रही हूँ और यह वापस स्पंज की तरह आ रहा है। इसको आप कम्प्लीटली कूल डाउन कर लें और फिर सर्व करें। और वैसे मुझे तो वार्म अच्छी लगती है, मैं तो इसको थोड़ा सा वार्म इंजॉय करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।